हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि अभी बजा है 7:30। तो वो देखिए, क्लॉक में 7:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग का टाइम है। पावनी चली गई है स्कूल बिकॉज उसका एग्ज़ाम था आज, और सृष्टि की आज थी छुट्टी। तो सृष्टि तो आज गई नहीं है, वो अभी घर पर ही है। और मैंने आरती वगैरह सब कर ली है। ये देखिए, मेरी नहा धोकर मैंने आरती वगैरह सब कर ली है, मेरी जोत जग चुकी है, सब पूजा पाठ हो चुका है और अब मैं बनाने लगी थी चाय। तो मैंने सोचा चलिए आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया जाए। और मॉर्निंग में तो घर की कंडीशन देखिए क्या हो रही है, अभी तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, देखिए ये है मेरा ड्राॅइंग रूम, सॉरी ये है मेरा ड्राॅइंग रूम। और देखिए ड्राॅइंग रूम से धूप कितनी बढ़िया वाली आ रही है विंडो से, और इतनी बढ़िया धूप आती है। और ये लॉबी है जहाँ मैं खड़ी हूँ इस टाइम, ये लॉबी है मेरी, और मेरी लॉबी में इतनी बढ़िया धूप आती है, अंदर तक धूप आती है, ड्राइंग रूम से लॉबी तक आती है। मुझे ये प्लस पॉइंट है कि जैसे विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स में क्या होगा, जैसे हम लोग मैट वगैरह लगा कर बैठ सकते हैं, ड्राॅइंग रूम में ही बैठ जाते हैं हम लोग। और जैसे वेजिटेबल्स वगैरह आती है या फिर बर्तन वगैरह धुलते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ, तो मेरा यहीं अंदर ही सूख जाता है, बाहर नहीं करना पड़ता। मसाले वगैरह होते हैं यहीं पर ही सूख जाते हैं, तो प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी घर के अंदर धूप का आना बहुत ज़रूरी है, अच्छा रहता है धूप घर में आए तो, और ना आए तो उससे हल्की हल्की सीलन टाइप की रहती है। तो इसलिए विंटर्स वगैरह में क्या, मतलब गर्मियों में भी ऐसा होता है कि धूप आती है, लेकिन गर्मियों में कर्टन्स वगैरह हम लोग कर देते हैं आगे, तो इतना नहीं होता। और ये चीज़ होती है गर्मियों के टाइम पर अंदर वाले रूम होते हैं वहाँ पर धूप नहीं होती है, और विंटर्स के टाइम पर यहाँ पर धूप मिल जाती है हमें, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो चलिए बनाते हैं चाय। और अभी अभी गए हैं फ्रेश होने, वो अभी फ्रेश होके आते हैं, तब तक हम चाय रखते हैं। और सृष्टि लगी हुई है मॉर्निंग में ही, देखिए अभी पावनी को बस पे छोड़कर आई है, और आते ही इसने उठा लिया है फ़ोन। तो ये देखिए फ़ोन के दीवाने बच्चे। सृष्टि क्या हो रहा है मॉर्निंग में, गलत बात तो बोल रही थी कि मम्मा चाय दे दो मुझे और उसके बाद मैं थोड़ा सा सोऊंगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर उठ के फिर पढ़ाई करूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है कल और आज इसको ना प्रिपरेशन लीव मिली हुई है। तो चलिए चाय बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं चाय। और अपनी आ गए हैं हम किचन में, तो मेरे को आपको किचन भी आपको दिखानी है अपनी, कि मैंने किस तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये है मेरी चाय बन रही है, और चाय तब तक बनती है तब तक मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ, है ना। तो लेकिन किचन ये देखिए, सबसे मेन आपको पहले दिखा देती हूँ, यहाँ से हमने एंट्री की, और एंट्री करते ही इस साइड मैंने प्लांटर रखा हुआ है, बिग साइज़ का प्लांटर है ये, और इसमें ना देखिए ये वाला जो प्लांटर है बहुत अच्छा है, और ये अंदर भी ग्रो कर जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको बाहर ही रखना पड़ता है, ये अंदर ही ग्रो कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ना पास के पास ही है, देखिए यहाँ पे सिंक के पास है, तो यहाँ से इसको अच्छे से पाओ, तो पानी वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पानी वगैरह भी यहीं से मिलता रहता है। और किचन में मैं प्लांट रखती हूँ, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर मनी प्लांट रखा हुआ है ये, और एक प्लांट मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, देखिए ये वाला एक प्लांट यहाँ रखा हुआ है मैंने। यहाँ देखिए किचन में भी मेरी अच्छी खासी धूप आ रही है, और ये देखिए माइक्रोवेव के पास एक इसके ऊपर रखा हुआ है, माइक्रोवेव के ऊपर, तो अच्छा है धूप आ जाती है यहाँ पर। तो अब मेरी बल्कि ये अच्छा लगने लगा है, आपकी धूप आ रही है, और गर्मियों में तो फिर कर्टन्स वगैरह लग जाएंगे तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस टाइम तो धूप चाहिए तो बहुत अच्छा है। देखिए पूरा अच्छे से धूप आ रही है किचन में मेरी, अभी तो फ़िलहाल सिंक तक आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड आ गए हैं बाथरूम से फ्रेश होके, और अब हम चाय पियेंगे। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए चाय भी हो गई है रेडी मेरी, और बस चाय पीते हैं हम लोग। सृष्टि भी वेट कर रही है चाय का। देखिए फ्रेंड्स, रात को समोसे आए थे तो किसी ने खाए नहीं, तो बस अब मैं वही चाय के साथ गर्म कर लूँगी। पावनी तो ले गई है स्कूल, और हम लोग अभी चाय के साथ खा लेते हैं। ना मुझे खांसी हो रही है आज, बस इसको गर्म करती हूँ मैं।
ये गर्म हो जाए उसके बाद तब तक मैं चाय डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय हो गई है रेडी और चाय मैंने डाल ली है और यहाँ पर मेरे समोसे भी गर्म हो चुके हैं। चटनी मैंने ले ली है क्योंकि सृष्टि ने खानी है, मैं तो नहीं लूँगी लेकिन सृष्टि लेगी और अभी है वो समोसे खाएंगे नहीं और उनको तला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए खुरमे रख लिए हैं तो खुरमे वगैरह ले लेंगे। खाली चाय मॉर्निंग में नहीं पीनी चाहिए। चलिए चलते हैं। चाय गरम, चाय 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 आ गई है, चाय पी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक बक्सा जो पुराने टाइम का है और काफ़ी ख़राब हालत में है ये। तो इसका जो है ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा है ये, तो इसका मैं कुछ यूज़ करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये अच्छी कंडीशन नहीं है, तो इसका कलर चेंज करते हैं और इसको बनाते हैं बढ़िया सा टेबल। तो मेरे हाथ में देखिए पेंट लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं किचन में अभी थोड़ी सी किचन की कबर्ड्स मेरी थी वो पेंट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका भी मेकओवर किया जाए और इसको भी एक अच्छी कंडीशन में लाया जाए ताकि इसका हम यूज़ कर सकें। क्योंकि अभी इसके अंदर सब अटरम शटरम सामान भरा हुआ है, लेकिन कबाड़ से जुगाड़ किया जाए तो चलिए इसका मेकओवर किया जाए। सबसे पहले मैं इसको वाइट पेंट से पेंट करूँगी, उसके बाद देखिएगा मैं इसके ऊपर कैसे डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस बक्से को कर रही हूँ पेंट और इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देना है, टेबल वाला लुक। तो ये देखिए इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है और इसके अंदर काफ़ी कुछ सामान भी पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको नया सा बनाते हैं। और वैसे भी पहले ना कुछ मतलब नया लाने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे घर में अगर कुछ पुरानी चीज़ें हैं तो हम उसी का इस्तेमाल करके उनको नया लुक दे दें तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो देखिए मैं इस पर एक कोट कर लूँगी और इसको सूखने दूँगी, फिर दूसरा कोट मैं इसमें मॉर्निंग में करूँगी। तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक कोट हो चुका है इसके ऊपर और इसका सेकंड कोट होना बाकी है अभी, तो लेकिन ये सूख जाए फिर करती हूँ। और मैं दिखा रही थी कि ये नीचे से हल्का सा क्रैक सा है तो इसको ठीक भी करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें कुछ भी नया ख़रीदना है तो हमें पहले अपने घर में ही देखना चाहिए कि क्या ऐसी पुरानी चीज़ पड़ी हुई है जिसको हम नया लुक दे सकते हैं। तो इसका मेकओवर मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक।